तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ वर्ल्ड फेमस बीच पे, पटाया के बीच पे, आप देख सकते हो ये। पटाया आने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस लाइफ में रहा, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी इंटरनेशनल की ट्रिप कर रहा हूँ, मुझे भी लग रहा ऐसा ही लग रहा फील हो रहा है क्योंकि मैं इंडिया के किसी पार्ट में ट्रेवल कर रहा हूँ। और काफ़ी लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ का रहा, काफ़ी कुछ देखने को मिला यहाँ पे, तगड़े तगड़े चीज़ देखने को मिला जो शायद कहीं और अपने भारत में नहीं देखने को मिला था, वो यहाँ पे देखने को मिला है। और ऐसा भी नहीं है सारी चीज़ डिफरेंट है, भारत से कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सारी चीज़ सेम ही है, बट कुछ चीज़ों के मामले में डिफरेंट हैं। इनके पास बस एक चीज़ इनका अपना स्पेशल से जाने जाते हैं, और हमारा भारत अनेक चीज़ों के मामले में जाना जाता है, अनेक चीज़ों के मामले में, प्रकृति की सुंदरता और पुरानी इमारतों के मामले में, नए नए इमारतों के मामले में, और कल्चर, संस्कृति, ट्रेडिशन, एवरीथिंग, इन सब चीज़ों को लेकर भारत अपने आप से फेमस है पूरी दुनिया में। लोग प्यार करते हैं, जब मुझसे कितने लोग मिले थे आउट ऑफ कंट्री के लोग मिले हुए थे यहाँ पे, तो भारत की जो तारीफ की है ना, वाकई में दिल छू लेता है जब लोग तारीफ करते हैं अपने इंडिया की। तारीफ कैसे किए, खूबसूरती के बारे में, ट्रेडिशनल कल्चर, ये लोगों को आकर्षित करता है। और जहाँ तक कि थाईलैंड की बात करें, तो थाईलैंड में यहाँ पे बूमिंग के लिए फेमस है पूरी, और मसाज के लिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है। बात करें यहाँ पे लोगों की जनसंख्या की, तो लोगों की जनसंख्या भी बहुत कमी है यहाँ पे। मैंने देखा इस तरह से अगर आप दिल्ली में ट्रेवल कर रहे हैं, दिल्ली में या भारत के किसी भी पार्ट में अगर ट्रेवल करते हैं, तो आपको जनसंख्या बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे लगता है कितनी जनसंख्या है। बट मैं यहाँ पे जब ट्रेवलिंग कर रहा था, तो ये चीज़ मुझे बहुत डिफरेंट लगा कि रोड जैसे खाली खाली जा रहा है। मेन जो रोड थे वहाँ पे बहुत थोड़े थोड़े गाड़ियाँ जा रही थी, ऐसा ये चीज़ मेरे को बहुत ही अलग लगा। क्योंकि अगर मैं दिल्ली सिटी में अगर जाता हूँ, इतनी क्राउड है, टीपी, और मेट्रो में जाता हूँ तो जैसे लगती है ज़िंदगी दौड़ती हुई भाग रही है, दौड़ रही है पूरी रेस की तरह, भागो 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 दौड़ते लगे रहते हैं, जैसे लगता है कि कितने बिजी लाइफ हो गई है दिल्ली में। पर यहाँ पे सब रिलैक्स और बड़े इंजॉय से सब कुछ चलता नजर आया, ना कोई रन, कुछ भी नहीं, क्राउड तो बिल्कुल नहीं। और बात करें अगर सफाई की दोस्तों, सफाई तो एक नंबर में है दोस्त, सफाई के मामले में बहुत तगड़ा है, क्योंकि लोग अपने आप में जागरूक हैं सफाई को लेकर के। अगर उनके हाथ में कचरा भी है हाथ में, तो उनको अगर डस्टबिन जब तक दिखता नहीं है, तो वो इधर उधर कहीं थ्रो नहीं करते उस चीज़ों को। थ्रो करते तभी हैं जब कहीं डस्टबिन उन्हें दिख जाता है, तब वो थ्रो करते हैं, वैसे किसी भी कचरे को वो थ्रो नहीं करते किसी भी जगह पे। सबसे अच्छी बात ये है, ये थाईलैंड की बात है, थाईलैंड के लोगों की बात है, ये दोस्तों थाईलैंड की लोगों की बात है, ना कि थाईलैंड के लोगों की बात भी है, और आउट ऑफ कंट्रीज जो लोग आते हैं उनसे सीखते हैं कि हाँ भाई ये भी सच बात है, यहाँ पे कचरे तो नहीं है, फिर यहाँ पे थ्रो करना फेंकना बेकार है। क्योंकि मेरे हाथ में भी एक कचरा था, तो मैंने भी सोचने फेंकने से पहले उसको चार बार सोचा है कि सब जगह एकदम क्लीन दिख रहा है, फिर भी ऐसे फेंकना सही नहीं है। फिर मैंने एक जगह डस्टबिन देखा, वहाँ पे डाला, उसने मेरी तारीफ की, वाह, उसने बोला वाह गुड मैन। ये लगा मुझे कि एक चीज़ ऐसे ही है, तो अपने इंडिया में भी यही करना चाहिए हमें कि कोई भी कचरा अगर हम फेंकते हैं ना, तो डस्टबिन का यूज़ करके फेंकेंगे, तो अगर जो क्लीन दिखेगा ना, तो दूसरे देश का आने वाला भी व्यक्ति ना, अपने देखने वाले जब सफाई साफ खूबसूरती को जब देखेगा ना, तो वो भी हमें ही फॉलो करेगा, और वो भी गंदगी को अवॉइड कर देगा। बस ये चीज़ें, अगर गंदगी रहेगी कहीं पर भी, तो गंदगी होते रहेगा। अब देखो यहाँ पे, हम गोवा गए थे दोस्तों, काफ़ी समय पहले हम गोवा गए थे, तो वहाँ पे ये था कि अगर आप गंदगी फेंकोगे तो आपके फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा, लद्दाख हुआ या फिर गोवा हुआ, ऐसा जुर्माना था, बहुत स्ट्रिक्टली वहाँ पे गवर्नमेंट वहाँ पे खड़ी रहती है, तैनात रहती है मुस्तैदी से, तब तो वहाँ पे गंदगी को बचाया जाता है, समुद्र के किनारे प्लास्टिक को, सारी चीज़ों को बचाया जाता है ऐसे जगहों पे। पर ये चीज़ है, और एक होता अपने आप से जागरूक होना, तो जागरूक तो यहाँ के पूरे लोग हैं, क्योंकि ऐसे कोई थ्रो नहीं कर रहा। अगर उनको डस्टबिन वाला चीज़ है, कचरा है, तो वो अपने बैग में रख लेते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं, और उसको जा करके कहीं और साइड में रखते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिलहाल अपने भारत में लोग बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि भारत अपना जो बदल गया ना, मुझे नहीं लग रहा किसी और कंट्री से अगर कंपेयर करूँ, तो भारत अपना भारत तगड़ा एक नंबर का भाई। इनके पास थाईलैंड है, और यही है इनके पास। अगर इसकी खूबसूरती हमें देखना है, तो हम चले जाए केरला जाए, या केरला चले जाओ, या फिर चले जाओ आप गोवा चले जाओ, बराबर हो गया। क्योंकि ज़्यादातर यूरोपियंस मुझे मिले
आउट ऑफ कंट्री के ज़्यादा अदर कंट्री के लोग जो मिले हमें वो इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेवल कर रखे हैं तो वो गोवा में ट्रेवल कर रखे हैं। तो गोवा बहुत फेमस जगह है जो पूरे देश में लोग जानते हैं। जिस तरह से थाईलैंड में पटाया को लोग जानते हैं बीचों के कारण, उसी तरह से गोवा को। गोवा भी बहुत ही एक्सपेंसिव है। जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा हाँ गोवा भी एक्सपेंसिव है। वहाँ की होटल्स, वहाँ के खाने, वहाँ के रहना वेरी एक्सपेंसिव भाई। मैं काफ़ी समय पहले गया था तो वहाँ की वहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिला था, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला था और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे गेन किया था। मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखा, समुद्र के किनारे का जो मज़ा, असली मज़ा जो ले रहा है वो सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्री के लोग हैं ज़्यादातर करके, जो गोरे जिसे बोलते हैं, गोरे और भी अदर कंट्री के लोग हैं। बट मैंने यहाँ पे ऐसे और अदर कंट्रीज़ के लोगों को मैंने समुद्र के किनारे का मज़ा लेते हुए नहीं देखा। इधर सिटी है, इधर समुद्र है। दोस्तों ये बीच है और ये इस किनारे साइड में ये कैंप लगे हुए हैं, यहाँ से लोग आते हैं, यहाँ पे स्विम करते हैं, जंप करते हैं, जो भी होता है। नाव की सुविधा यहीं से होती है, यहाँ से ही हम जाते हैं। जो आपको शायद दिखाई दे रहा है कि वहाँ तक का जो हाइट लेवल तक का था माउंटेन था वो आइसलैंड है वहाँ पे, तो वहाँ तक जाया जाता है। उसके बाद से ये नाव होते हैं जिनका रेंट कम से कम 700-800 थाई भाट तक का होता है। इंडिया में अगर बात करें तो 2400-2500 तक का आ जाता है ये।
और दोस्तों जहाँ तक बात करें महंगाई के बारे में पटाया का, तो पटाया काफ़ी एक्सपेंसिव है खाने के मामले में, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान भारत से हैं तो आप जाहिर सी बात है आप इनकी नॉनवेज वाली चीज़ें तो आप खाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी ऐसी ऐसी नॉनवेजें हैं जो शायद हमें ना पसंद आए और हम ना खाएं। बहुत से लोगों को बहुत पसंद है वो खाना, तो हमने तो उसकी प्राइजेस पूछे नहीं क्योंकि हमें वो पसंद नहीं थे, हमने वेजिटेरियन खाया। भाई साहब अगर हम अगर आप पेट भर के एक टाइम का खाना खाते हैं तो कम से कम 2000 से 2400 तक का आपका इंडियन फूड पड़ रहा है पटाया में, 2000 से 2400 से 3000 तक का पड़ जा रहा है वन टाइम का, एक टाइम का, इतना एक्सपेंसिव है ये। बाकी होटल आप ऑनलाइन ही बुक कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहता है, यहाँ आने के बाद से आपको बुकिंग करना मतलब वो सर से बाउंस करते हुए जाता है। जब आप एयरपोर्ट से उतरेंगे थके हुए तो फिर देख रहे हैं बाप रे बाप क्या गजब कर रहा है, दिखाता हूँ आपको तरक्की बढ़ती है।